સુરતમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલની દાદાગીરી મામલે પીડિત મહિલાએ પોલીસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. પીડિત મહિલાએ કહ્યું કે કોન્સ્ટેબલ જબરદસ્તી પાસબુક પ્રિન્ટ કરાવવા આવ્યા હતા. પોલીસ કોન્સ્ટેબલે મને માર માર્યો ત્યારે સુરતમાં જો આવી પોલીસ હોય તો પોલીસ કર્મીઓની કોઈ જરૂર નથી. આખું પોલીસ સ્ટેશન પોલીસ કર્મીને સપોર્ટ કરે છે એટલે આખું પોલીસ સ્ટેશન સસ્પેન્ડ થવું જોઈએ. પોલીસ તેમના માણસને જ સપોર્ટ કરે છે. सर पुलिस का बर्ताव पुलिस जैसा था ही नहीं. इफ दिस इज पुलिस, नहीं चाहिए सूरत में पुलिस. पुलिस नहीं होनी चाहिए. क्यों चाहिए? जैसे ऐसे मारपीट करते क्यों? क्यों? इसलिए हम लोग हमारी ड्यूटी कर रहे थे. चार बजे के बाद सबको पता है 10 to 4 की ब्रांच होती है. 4 o'clock के बाद ग्रिल लग गई थी. खोल के अंदर आके जबरदस्ती बोलते हैं प्रिंट कीजिए. मेरे ऑफिसर ने बोला भी उनको कि भाई नहीं, टाइम हो चुका है, पासबुक प्रिंटर भी हमारा खराब है. 2 दिन पहले हमने उस आदमी को स्टेटमेंट भी दे दिया था तो भी वो अंदर घुस के आके मेरे साथ मारपीट कर दी. या तो पुलिस ऐसी है तो पुलिस नहीं होनी चाहिए सूरत में. खास करके एक बात, आपको कितनी बार उन्होंने मारा और पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ? 3-4 बार मारा है. पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने भी उनकी बहुत सपोर्ट की है. यस डेफिनेटली, क्योंकि उनका स्टाफ है तो उन्होंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की है. ओवर द कोर्ट बाहर आप सेटलमेंट कर लीजिए. आप मुझे ये बताओ बदतमीजी की कौन सी सेटलमेंट होती है? मेरे साथ जो हूँ उसकी कौन सी सेटलमेंट होती है? उसकी सेटलमेंट नहीं होती है. मैं अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ कि उसने मुझे इधर उधर छुआ है, मुझे मारा है. आज तक मेरे घर पे मुझे मेरे पति ने ऐसे जोर से हाथ तक नहीं लगाया. आई हैव गॉन स्लीपलेस फ्रॉम 3 days. मैम खास करके क्या न्याय की उम्मीद रखती हैं आप? किस तरह का न्याय चाहिए? न्याय चाहिए हमें. आई डोंट नो अब कैसे न्याय मिलेगा. पुलिस शुड बी सस्पेंडेड. नॉट ओनली ही, दैट होल ऑफ दैट स्टेशन शुड बी सस्पेंडेड, क्योंकि सब उसके सपोर्ट में खड़े थे. डरा रहे हम लोगों को. सर एक सरकारी कर्मचारी के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है पुलिस के द्वारा, तो आम पब्लिक के साथ में क्या होगा? क्या ये वो भी उनके बैंक के टाइम के बाद में कर रहे? ठीक है, हाथ उठाना, 3-4 बार इन्होंने धक्का मुक्की मारा मारी की है, मतलब आम पब्लिक क्या समझे? मेरी तो घर की हालत, मैं मतलब किसको जाके सुनाऊं? ये सोए हुए पुलिस स्टेशन जाने के बाद क्या हुआ? पुलिस स्टेशन जाने के बाद में उन लोगों ने बोले चाय पानी से लेके क्लियर कर दो. ठीक है, मैं सॉरी बोल देता हूँ, सॉरी बोल देता. ये तो पूरी माइंडली अपसेट हो गई है. उसका क्या होगा? आपके सॉरी से काम चल जाएगा? मेरा 10 महीने का बच्चा, उसको आपके सॉरी से काम चल जाएगा? वो उठते ही सीधा मम्मी मम्मी के, वो उठा नहीं सकती. उसको वजन डॉक्टर ने बिल्कुल मना बोला, बिल्कुल वजन नहीं उठाना. कितने दिन का बेड रेस्ट है डॉक्टर की तरफ से? कम से कम 5 से 6 वीक का बोला है. 5 से 6 वीक? 6 वीक का. ये यहाँ का पूरा फ्रैक्चर है बैक साइड का. बोले थोड़ा रीढ़ की हड्डी के थोड़ा नीचे आया, बाकी आपकी लाइफ कम्प्लीट पूरी खत्म हो जाती अगर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर.